Hello everyone, this is Om Prakash. You are watching me on my YouTube channel, Let's Love Physics. Today our main purpose of discussions is the velocity displacement graph and the square of the velocities in this graph. These graphs are important because when you learn accelerations, you have learned accelerations earlier, you get an equations dv by dt. So all the graphs you studied earlier is velocities versus time. जितने भी ग्राफ आपने इससे पहले पढ़े हैं वो वेलोसिटीज और टाइम के रिस्पेक्ट में पढ़ा या पोजीशंस और टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आपने ये नहीं पढ़ा है कि वेलोसिटीज वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में ग्राफ कैसा होगा और उस ग्राफ से मोशन की किन किन क्वांटिटीज को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, किन किन क्वांटिटीज का पता लगा सकते हैं। दिस इज आवर सोल पर्पस ऑफ डिस्कशन टूडे, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम चलते हैं कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होगा कैसा। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में वेलोसिटी एज यूजुअल ये वाई एक्सिस पे प्लॉट होगी और डिस्प्लेसमेंट एज यूजुअल एक्स एक्सिस पे प्लॉट होगी। एक्स एक्सिस कहने का मतलब है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो दिस शुड बी आवर डिस्प्लेसमेंट एस, दिस शुड बी आवर वेलोसिटी। और जैसे कि अभी हम कोई ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मेरा ग्राफ कोई ऐसा है, ठीक है, इन आवर ग्राफ राइट नाउ। ये क्या है, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। तो ग्राफ को स्टडी करने का जो सिंपल सा तरीका है कि आप सबसे पहले तो देखिए कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहीं से दिख रहा है आपको यहाँ से कि आप जैसे जैसे ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं तो मेरा स्लोप जो है वो देखिए यहाँ से आप टेंजेंट उठाएंगे, यहाँ से आप टेंजेंट उठाएंगे। स्लोप को प्रेडिक्ट करने का तो सिंपल सा तरीका हम लोग काफी देख चुके हैं। यहाँ से टेंजेंट उठा के हम लोग एक्स एक्सिस पे काटेंगे, ये मेरा कट, और फिर यहाँ से टेंजेंट उठाएंगे उसको यहाँ से हम लोग ऐसे कटा। जैसे ये एंगल जो है, ये एंगल देखिए, ये सपोज करिए कि टी वन, ये जो टाइम था ये टाइम हो गया टी वन, और इस टाइम पे जब आप स्लोप लिए हैं ये टी टू है, ऑफकोर्स टी टू इज ग्रेटर देन टी वन। ये एंगल जो है ये हो गया थीटा वन, ये एंगल आप देख रहे हैं कि जब टाइम इंक्रीज कर रहा तो थीटा की वैल्यू क्या हो रही, इंक्रीज कर रही, ठीक है। एज एज टाइम इंक्रीजेस इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ एंगल ऑब्टेंडेड बाय द टेंजेंट टू द टाइम एक्सिस इंक्रीजेस। और जब ऐसा हो रहा है तो हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा वन बड़ा क्या होगा, टेन थीटा टू होगा, टेन थीटा टू मतलब यही ना स्लोप हो गया। इसका मतलब क्या चीज, टू मतलब ये लाइन एल वन है, ये लाइन एल टू है, तो आप ये लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन एल वन ऑफ लाइन एल वन से बड़ा हो गया स्लोप ऑफ लाइन एल टू लाइन एल टू, ठीक है। ये चीजें तो आपने पहले भी डिस्कशंस में कंक्लूड किया है कि एक्चुअली में ग्राफ को देख करके आप कैसे कह सकते हैं स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो सीधे टेंजेंट का जो एंगल है, ये यदि थीटा वन या थीटा टू जो भी टेंजेंट का एंगल बन रहा है अगर वो एक्यूट एंगल है, मतलब लेस देन 90 डिग्री है, तो इसका मतलब स्लोप क्या हो जाता है, मेरा पॉजिटिव स्लोप हो जाता है। एक चीज तो एंगल से कंक्लूड हुई। दूसरा चीज ये भी है कि यदि वेलोसिटी के साथ या अभी भी देखिए आपसे डिस्प्लेसमेंट अगर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ रही है, तो नेचुरली स्लोप जो है वो पॉजिटिव। तो दो चीजों से आप स्लोप को निकाल सकते हैं। दूसरा, स्लोप इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, आप टेंजेंट डालिए, टेंजेंट के एंगल को देखिए। अगर टेंजेंट का एंगल बढ़ रहा है तो आप बोलते हैं कि मेरा स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप मेरा इंक्रीजिंग स्लोप की तरफ। ये तो चीज हुआ ग्राफिकल पार्ट, वेलोसिटी वर्सेस। अब आइए हम देखते हैं हमने क्या पढ़ा है कि एक्सीलरेशन जो हमारा होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ए रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल वेक्टोरियल मोशंस की हम बात कर रहे हैं इसलिए इसके ऊपर हम एरो नहीं लगाते हैं, हालांकि ये वेक्टर ही है
हमारा एरो अब प्लस और माइनस साइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि एरो एक्चुअली में डायरेक्शंस बताता है, और हमने ये कन्वेंशन ले रखा है कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो या तो वो राइट मूव करेगी या वो लेफ्ट मूव करेगी। राइट टुवार्ड्स द राइट में डायरेक्शंस पॉजिटिव होगा, टुवार्ड्स द लेफ्ट में डायरेक्शंस नेगेटिव होगा। ये कन्वेंशंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशंस को। हम सिंपली ए लिखते हैं, ए इज इक्वल टू, हम जानते हैं डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट, ये हो गया रेट, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब ये देखिए डीवी बाई डी टी कहीं ना कहीं आपको यही बता रहा है कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप ऑफ वीटी कर्व, वीटी ग्राफ का स्लोप है जो हमारा एक्सेलरेशन। लेकिन यहां तो वीएस ग्राफ है, वीटी ग्राफ तो है नहीं कि मैंने टेंजेंट पर स्लोप डाला और हमने कह दिया कि हमारा एक्सेलरेशन हो गया। तो आप एक चीज लिखिए, एक्सेलरेशन ए जो है ये हो गया हमारा डीवी बाई डी टी। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि डीवी बाई डी टी इंटू डी एस बाई डी एस, ये डी एस बाई डी एस कट जाएगा तो आपको तो ओरिजिनल डीवी बाई डी टी मिलेगा, बस हमने डी एस बाई डी एस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको ऐसा ओरिएंट कर सकते हैं डीवी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी, अभी भी वही है, बस हमने जो है सो ये डी एस को यहाँ कर लिया, ये डी एस को यहाँ कर लिया। अब आप देखिए यहाँ से ये जो आपका आया डी एस बाई डी टी ये क्या है, तो हम ये जानते हैं कि डी एस बाई डी टी क्या होता है, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी, क्योंकि क्या है रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो अब हम इस इक्वेशन को आराम से लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एस, ये इक्वेशन आपका अब आराम से यहाँ से प्रेडिक्ट हो गया, इक्वल टू डी वी बाई ठीक है। तो इस इक्वेशन से अब क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इस इक्वेशन से हमारा कंक्लूजन यही होगा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द वेलोसिटी एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इज इक्वल टू द वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द स्लोप ऑफ वी बाई एस कर्व। डीवी बाई डी एस ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं डीवी बाई डी एस ये क्या है, dv by ds को आप लिख सकते हैं, this dv by ds is equal to slope of velocity versus displacement curve, slope है, इसीलिए accelerations को आप क्या लिख सकते हैं, accelerations is equal to velocity at that particular instant multiplied by slope of v versus s graph, slope of vs graph, कहीं से कोई शक मेरे हिसाब से तो अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस इक्वेशन में हमने सारी चीजें डिफाइन कर ली है। अब इस ठीक है, अब इस कर्व को देखिए, यहां जो कर्व है आप उसको देखिए, सपोज करिए हम बोलते हैं कि इसी पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी एक्सेलरेशन बताओ, इस पॉइंट पे हमारा एक्सेलरेशन, सिंपली आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे, इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगा वो ये जो टेंजेंट आपने खींच रखा है टेंजेंट, ठीक है, इस टेंजेंट ये एंगल थीटा टू बनाता है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा tan थीटा टू, यही स्लोप होगा, इसी स्लोप को हम लोग लिखते हैं क्या चीज, डीवी बाई डी एस, और ये पॉइंट ए है डीवी बाई डी एस एट पॉइंट ए, ठीक है, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल लीजिए, मान लीजिए इस पॉइंट पे वेलोसिटी आ गई आपकी वी वन, तो आप सिंपली लिख देंगे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा v1 into
dv by ds का जो वैल्यू है एट पॉइंट ए, यही आपको एक्सेलरेशन दे देगा एट पॉइंट. आप अब देख पा रहे हैं कि कैसे वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व से आप एक्सेलरेशन निकाल पा रहे हैं, ठीक है. अब एक चीज आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में. अब हम क्या बताइए, मुझे बताइए ये चीज, आपने जो अभी निकाला एक्सेलरेशन ए, दिस इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एस निकाल, ठीक है. हम लोग कैलकुलस में डिफरेंशियल में हम ये पढ़ चुके हैं, यदि हम निकालते हैं, मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन निकालते हैं डी बाई डी टी और कोई वेरिएबल है वी स्क्वायर, ये क्या हो जाता है, प्राइस ऑफ वी इंटू डी वी बाई डी टी गेन होता है, प्राइस ऑफ वी इंटू डी वी बाई डी टी. मतलब कहने का ये है, अगर आपके पास इसे इसे आप ये निकाल सकते हैं, अगर आपके पास वी इंटू डी वी बाई डी टी है, अब आप लिख सकते हैं वन बाई टू इंटू डी बाई डी टी ऑफ वी स्क्वायर, ठीक है. तो अब इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसको यहाँ पे वन बाई टू लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे डी बाई डी एस. तो आप देखिए अब आपका क्या आ गया, वन बाई टू इंटू डी वी स्क्वायर बाई एस आ गया. तो कहीं ना कहीं ये जो आपका पोर्शन है ये क्या बता रहा है, स्लोप, स्लोप ऑफ वी स्क्वायर वर्सेस एस ग्राफ. कहने का मतलब ये है कि अगर आपको वी ए कर्व दिया हुआ है, वी स्क्वायर का कर्व दिया हुआ है और यहाँ एस डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है. तो जैसे सिंपल सा एग्जांपल जो प्रीवियस में हमने देखा है कि मेरा कर्व जो है मोशन ऐसा कर्व, ठीक है. तो हम अगर हमसे सवाल किया जाए कि इस पॉइंट पे मेरा, इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा, इज आवर एक्सेलरेशन दिस पॉइंट, इस कर्व को देखने से हम कैसे निकालेंगे. तो बस इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो टेंजेंट बनाएंगे डायरेक्ट टेंजेंट, अगर ये एंगल काट रहा है थीटा पे तो इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, इसका स्लोप हो गया आपको, इसका स्लोप हो गया टेन थीटा, ठीक है. ये मान लीजिए कि पॉइंट ए है तो आप लिख सकते हैं टेन थीटा ए, ऐसे भी लिख लिया टेन थीटा ए, मतलब पॉइंट ए पर जो टेंजेंट डाला उसका स्लोप हो गया टेन थीटा है, और यही जो है सो आप टेन थीटा ए लिख लिए, और ये टेन थीटा स्लोप जो है सो चलो क्या है, ये डी टू वी स्क्वायर बाई डी एस है कब, एट पॉइंट ए पे, ठीक है. तो कहने का मतलब ये हो गया, अब आप लिख सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो हमारा एक्सीलरेशन होगा इट इज वन बाई टू, ठीक है, इंटू टेन थीटा ए, मतलब एक बट्टा दू इंटू स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रोन ऑन वी स्क्वायर वर्सेस एस ग्राफ, ठीक है. तो दो ग्राफ्स हमने पढ़े और दोनों ग्राफ से हमने जो है सो एक्सेलरेशन निकालने का तरीका देखा. जब हमारे पास v वर्सेस s ग्राफ है, कहने का मतलब यहाँ पे मैं नोट्स में डाल देता हूँ कि नोट्स में यदि हमारे पास v और s का ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ दिया हुआ है, उस केसेस में जब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं ये हो जाता है वेलोसिटी, वेलोसिटी v और इंटू स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ v वर्सेस s ग्राफ. ये जो हम निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर पॉइंट, वेलोसिटी एट दैट पॉइंट इंटू स्लोप ऑफ वी एस ग्राफ एट दैट पॉइंट, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट के रेफरेंस में. और यही अगर हमारे पास v स्क्वायर बाई s ग्राफ मेंशन हो जाता है, एक्सेलरेशन क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू स्लोप ऑफ वी स्क्वायर डैश एस ग्राफ आ जाए. दो चीजें हमने देखा. अब एक आज प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उससे हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है. तो यह प्रॉब्लम है कि ये सपोज करिए ये हमारे पास जो है ये वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है,
ठीक है, ये वेलोसिटीज है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और हमारा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व क्या है, ये 20 है और यहाँ पे ये हमारा 50 मीटर है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है फाइंड फाइंड एक्सेलरेशन एट टाइम टी इक्वल टू, एट टाइम टी इक्वल टू, आप देखिए टी इक्वल टू जीरो, एक्चुअली में टी इक्वल टू जीरो पे हमारा क्या है, जो गर्व शुरू हुआ है वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का कर्व है टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो में हमारा तो यहाँ दे रहा है कि वेलोसिटी जो है मतलब वेलोसिटी वी एट टी इक्वल टू जीरो 20 मीटर पर सेकेंड। मैंने ये बताना भूल गया हूँ कि ये मिनट क्या है, मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये सिंपली मीटर ही होगा, यहाँ मीटर पर सेकेंड लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये गलत है, इसको मिटा दीजिए, ये सिर्फ मीटर रहेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में, इसके वेलोसिटी तो मुझे पता है कि टी इक्वल टू 0/20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्लोप निकालना है इस लाइन का, तो पहले तो इसमें ये देखिए कि टी इक्वल टू 0 पर स्लोप क्या होगा, लेकिन यहाँ क्या है कि स्लोप तो हमारा कॉन्स्टेंट है, अगर आप देखें स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप कॉन्स्टेंट है, केवल क्या है कि निगेटिव स्लोप है, निगेटिव स्लोप, लेकिन स्लोप क्या है हमारा, स्लोप जो है सो कॉन्स्टेंट, इसलिए कहीं भी स्लोप सेम ही होगा। यहां जो हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ द कर्व क्या होता है, यही ना एंगल, ये जो एंगल होता है, तो ये तो मैंने नेगेटिव स्लोप है तो आप लिखेंगे माइनस, उसके बाद लिखेंगे 20 लंब आधार पर 50, ये कट जाएगा, तो ये क्या हो गया माइनस ऑफ 2/5 आपका स्लोप आ गया। गुड, अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल टू जीरो और इनटू स्लोप एट स्लोप ऑफ वीएस कर्व ग्राफ एट टाइम इक्वल टू जीरो। यहाँ तो स्लोप पूरा कॉन्स्टेंट ही है महाराज, इसीलिए यहाँ पे स्लोप ऑफ वीएस कर्व में ये क्या हो गया, टाइम टी इक्वल टू जीरो में 20 आ गया और इंटू माइनस ऑफ 2/5 या 4, ये आ गया माइनस 8 मीटर पर स्क्वायर। बॉडी का एक्सेलरेशन क्या आया, ये आपने निकाला ये पिछले कंसेप्ट का इस्तेमाल करके। तो चलिए एक और हमारा जो पोर्शन है, सॉरी इसमें अगर एक और एग्जांपल मैं ले लूं, इसी में दूसरा केस ले लेता हूं कि अगर हमारे पास फिर हमारे पास ये सही ग्राफ है, अगर हमारे पास एक ग्राफ है जो ऐसा ही है, वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी स्क्वायर है, यहां पे क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है, ये हो गया वी स्क्वायर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और हमारा कर्व जो है ठीक ऐसा ही है जैसा पहले था, ये यहाँ पे 20, यहाँ पे ये 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, ये 20 मीटर पर सेकंड से हमारी जो है सो कोई पार्टिकल मूव कर रही है। तो अब अगर हमको पूछेगा कि एक्सेलरेशन निकालिए, एक्सेलरेशन एट इक्वल टू, तो ये क्या है, वी स्क्वायर बाय एस कर्व है, वी स्क्वायर बाय एस कर्व में हमने क्या देखा है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1/2 ऑफ यहाँ पे तो स्लोप, स्लोप ऑफ वी स्क्वायर एस कर्व स्लोप। अब देखिए 1/2 और ये जो सर्व कर्व नहीं है, ग्राफ लिखे सिंपल से ग्राफ है, तो अब देखिए यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, तो माइनस ऑफ स्लोप नेगेटिव है और ये नंबर आधार 20/5 करेंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आ जाएगा माइनस ऑफ 0.2 मीटर पर सेकंड। तो अब कहीं ना कहीं आप वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी से स्क्वायर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से परिचित हो गए हैं, उसके कोई मतलब एक्सेलरेशन निकालने में एक्सपर्ट हो गए। तो एक चीज आपके दिमाग में हमेशा आता होगा कि कितना ग्राफ बनाएंगे सर, अब वी क्यू वर्सेस थ्राइस एस का भी ग्राफ हो सकता है, अब वी क्यू वर्सेस एस का हो सकता है, वी फोर वर्सेस एस का हो सकता है, ट्राई करते चले जाएंगे, ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ऐसा है भाई कि
ये ग्राफ इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है स्लोप ऑफ द ग्राफ से। एक्सेलरेशन जो है दोनों केसेस में क्या है, एक्सेलरेशन जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्लोप के, स्लोप ऑफ द ग्राफ। इसलिए ये निकालना आसान है, तो इसलिए ये चीज आपको डिस्कस में लाया गया था, क्योंकि अगर आपका VQ वर्सेस S ग्राफ हो जाएगा तो ये सिनेरियो इतना सिंपल नहीं होगा, ठीक है। और काफी बार कॉम्पिटिशन्स में ऐसे क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं, क्योंकि आप हमेशा जो यूज टू होते हैं, जो आप यूज टू होते हैं किस चीज के, आप यूज टू हो जाते हैं dx बाई dt के, आप यूज टू हो जाते हैं dv बाई dt के, ठीक है, आप यूज टू हो जाते हैं dA बाई dt के। कोई इस पे, इस कंडीशंस पे dv बाई ds, ये कंडीशंस कभी आता नहीं है, या dA बाई ds, ये कंडीशंस कभी हम लोग देखते नहीं है। और एग्जामिनेशन वगैरह में हमारे कंसेप्ट के डेफिनेशन को चेक करने के लिए कंडीशंस में पुट अप कर दिए जाते हैं। तो इट वाज अ सिंपल डिस्कशंस टू लेट यू नो हाउ डीवी बाय डीएस कर्व रिप्रेजेंटेड, हाउ यू कैन कंक्लूड द एक्सेलरेशंस फ्रॉम डीवी बाय डीएस कर्व, मतलब सॉरी वी बाय एस कर्व या वी स्क्वायर बाय कर्व से आप कैसे एक्सेलरेशंस निकालते हैं। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।